अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिस्टर। तो जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि अम्मी तो भैया बना के ही रहेंगी गोलगप्पे, तो हम तीनों ने ना लॉकडाउन में स्टार्ट करा था कि गोलगप्पे बनाते हैं, पर मैंने और अप्पी ने तो भाई हार ही मान ली कि भाई हमसे नहीं बनेंगे सूजी वाले गोलगप्पे। और अम्मी नहीं मान रही हार, अम्मी ने कहा कि नहीं मैं बना के ही रहूँगी, और फाइनली अम्मी ने ही बना के दिखा दिया। और गाइस ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद 12:33 हो रहे हैं, देखिए टाइम देखिए, और उसके बाद मेरे भाई को भूख लगने लगी थी। वैसे तो इनने खाना खा लिया था, पर उसके बाद भी जैसे रमज़ानों का दिन चल रहे हैं तो हम लोग ना रात में 2 बजे 3 बजे ऐसे ही मतलब जागते रहते हैं, मतलब पूरी रात जागते ही रहते हैं हम लोग। तो उसके बाद भाई को भूख लगने लगी थी, तो वो कहने लगा मुझे कुछ चाहिए, शेक बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ। तो अप्पी कहने लगी चलो खजूर भी रखे हैं, रमज़ानों का टाइम है सबके घरों में होता है, तो चलो खजूर शेक बना लेते हैं। ईजी भी होता है और हैवी भी हो जाता है ये, मतलब एक ही गिलास से ना इंसान का पेट भर जाता है। मेरा तो ऐसे ही होता है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो बस अप्पी ने वो बना के तैयार कर दिया था, और अप्पी ने ना इसे गार्निश किया था चॉकलेट से, जो इतना ज़्यादा इसका टेस्ट जो था ना इतना अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और नेक्स्ट डे आ चुका था तो मैं तैयारी कर रही थी इफ्तार की, ये मैंने चटनी बना ली। आज मैंने ट्राई करा था टिक्की, जो टिक्की होती है ना मुझे तो ये घर की ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसे हर रमज़ानों में ज़रूर ट्राई करती हूँ। अब रमज़ान हो चुके हैं, 10 रमज़ान गुजर चुके हैं, मैंने टिक्की ट्राई नहीं करी थी, मैंने कहा अम्मी से आज तो मैं ट्राई करके ही रहूँगी। तो फिर मैंने टिक्की बना ली थी, और ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। और गाइज अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसकी रेसिपी आपको शॉर्ट में ज़रूर दूँगी। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है, एकदम ब्राउन ब्राउन सा, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आज मुझे ना अफ्तार भी देना था एक बाहर, मतलब गली में पड़ोस में बाहर अफ्तार देना था, तो मैं उसकी भी साथ साथ तैयारी करती जा रही थी। एक प्लेट उनके लिए तैयार करी थी और एक प्लेट अपने लिए तैयार करी थी, तो बस मैं इसी में लगी हुई थी। और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हमारा चिकन फ्राई बच गया था कल का, तो अम्मी और अप्पी उसे भी फ्राई कर रही थी, और अप्पी आज बना रही थी पालक के पकौड़े। गाइस मैंने ना ज़्यादातर यही देखा है कमेंट में, सब लोग कहते हैं कि पालक के पकौड़े क्रिस्पी नहीं होते, वो अजीब से उसमें बेसन जो होता है वो रह जाता है। तो अगर आपको हमारी इसकी वीडियो चाहिए ना फुल रेसिपी, तो हम इसकी वीडियो ज़रूर आपको देंगे, आप हमें ज़रूर बताइए। क्योंकि हमारे घर के जो पालक के पकौड़े होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे बाहर के होते हैं, एकदम जैसे आप लोग मुंबई में भाजी खाते हैं ना बिल्कुल इस टाइप के ही ये होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसकी रेसिपी शॉर्ट में दे देंगे। अम्मी कट कर रही थी फ्रूट्स और बाकी चीज़ें, क्योंकि अम्मी का यही काम होता है, हम लोग तो अपना फ्राई करने की चीज़ें करते हैं और अम्मी जो होती हैं वो फ्रूट्स वगैरह करने की चीज़ें होती हैं। तो अप्पी के तैयार हो चुके थे ये पालक पकौड़े, अप्पी इसको निकाल रही थी और हम लोग साथ साथ अपनी तैयारी भी करते जा रहे थे। और ये मैंने रेडी कर दिया था ले जाने के लिए, और मैंने इसे ढक दिया और मैं जा चुकी थी, क्योंकि 10 मिनट बैठना भी होता है। तो हम लोग बस अफ्तार करने बैठ चुके हैं और हम अब तैयारी भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़े निकल गए गाइस, पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा कि रोज़े जा कहाँ रहे हैं। और हमारी चाय आ गई है। अगर आपको हमारे ऐसे ही डेली व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।